जय हिंद साथियों, स्वागत आपका अपने चैनल सीमा अलर्ट पर। इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन की खुली भर्ती निकल चुकी है। यदि आपका आर्मी में लगने का सपना तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हरियाणा में इंडियन आर्मी की खुली भर्ती निकल चुकी है। ट्रेड्समैन की भर्ती निकली हुई है जो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में भर्ती होनी है। इसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में भर्ती होनी है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। मतलब आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपके एडमिट कार्ड 17 नवंबर से आ जाएंगे। मतलब आप इसका एडमिट कार्ड 17 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सोल्जर ट्रेड्समैन में आपको 10वीं पास होना जरूरी है और आपकी एज 17 से 23 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मतलब 17 से 23 ईयर के बीच वाले कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपकी एज 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए तभी आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए और आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। इसमें आपको 10वीं पास होना जरूरी है, हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउसकीपर में आपको 8वीं पास होना जरूरी है और आपकी मिनिमम एज 17.5 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 ईयर होना चाहिए। मतलब 17.5 से 23 ईयर के बीच वाले कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी एज 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए तब भी आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और आपको 8वीं पास होना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है तभी आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 2 सेंटीमीटर की छूट है हाइट में, 1 सेंटीमीटर की चेस्ट में छूट है, 2 किलोग्राम आपका वेट में छूट है। स्पोर्ट्समैन के लिए 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट है, 3 सेंटीमीटर की चेस्ट में छूट है, 5 किलोग्राम वेट में छूट है। मीटर की इसमें रेस होनी है। फर्स्ट ग्रुप में आपके 60 नंबर मिलेंगे। यदि आप फर्स्ट ग्रुप में रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। यदि आप सेकंड ग्रुप में रेस क्लियर करते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। दस पुशअप के आपको 40 नंबर मिलेंगे, 9 पुशअप के आपको 33 नंबर मिलेंगे, 8 पुशअप को आपको 27 नंबर मिलेंगे, 7 पुशअप को आपको 21 नंबर मिलेंगे, 6 पुशअप को आपको 16 नंबर मिलेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने साथ में,
यदि आपने इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा। यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। आपके पास इंटरनेशनल स्टेट सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। स्टेट या सीनियर जूनियर नेशनल का सर्टिफिकेट है इसमें लगा सकते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट है तो इसमें आप लगा सकते हैं। नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो खेलो इंडिया का वो भी इसमें लगा सकते हैं। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। स्टेट लेवल स्कूल फेडरेशन का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन का भी इसमें लगा सकते हैं। आपने एफिडेविट भी बनवाना होगा इसमें जाने के लिए। आपको इसमें बोनस मार्क भी मिलेंगे एनसीसी के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के रिलेशन सर्टिफिकेट के ये सब के आपको बोनस मार्क मिलेंगे। आपको पैन कार्ड लेके जाना है या आधार कार्ड इनमें से एक लेके जाना है। जब भी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट ए के आपको 5 नंबर मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट का आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी सी सर्टिफिकेट को आपको नो रिटन टेस्ट होगा, आपको ने कोई भी टेस्ट नहीं देना होगा इसमें। यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट हो रिपब्लिक डे पर, यदि आपने एनसीसी सर्टिफिकेट मिला है तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं होगा। एक्सर्विस मैनी की में आपको 20 नंबर मिलेंगे। एक्सर्विस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो तो आपका सीनियर जूनियर नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। स्पोर्ट्स यदि आपके पास कॉलेज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट या नेशनल लेवल या खेलो इंडिया का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको 10 नंबर मिलेंगे। स्टेट या लेवल का आपका सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपका या स्कूल गेम फेडरेशन का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको सुबह 5 बजे रैली ग्राउंड में पहुंच लेना है एंट्री गेट में। आपने ये एफिडेविट बनवा लेना है भर्ती में जाने से पहले। यदि आप इस एफिडेविट को नहीं बनवाओगे तो आपको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने सब डॉक्यूमेंट फिल कर लेने हैं। बस आज की इस वीडियो में आपको छोटी सी न्यूज आपको शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।